और इसी बीच में उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ पा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, आज यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ आएंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर बैठक करेंगे। एमएलसी चुनाव की यहां पर समीक्षा की जाएगी। तो अब एक्शन में राधा मोहन सिंह नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक की जाएगी, मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की जानी है। उत्तर प्रदेश का प्रभार मिलते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह अब सक्रिय हो चुके हैं। राधा मोहन सिंह के सामने पहले चुनौती एमएलसी चुनाव है, जहां बीजेपी की साख जो है वो दांव पर लगी है। चुनाव में जीत के लिए पार्टी ने पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ दौरे पर पहुंचेंगे और इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा, चुनाव की समीक्षा की जाएगी, मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा होनी है, एमएलसी चुनाव की समीक्षा की जानी है। और साथ ही आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ आकर सीएम योगी के आवास में बैठक करेंगे। राधा मोहन सिंह ने बताया था कि भाजपा विश्वास, उन्नति और विकास का प्रतीक है और इसका उदाहरण बिहार चुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में देखने को मिला। जनता ने तुष्टीकरण, जातिवादी मुद्दों वाले हमारे विरोधियों को नकारते हुए एक बार फिर से विकास का परचम लहराने के लिए हमारे हाथों में बागडोर सौंपी। ये तमाम बातें उन्होंने कही, जीत का दावा किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, उत्तर प्रदेश का प्रभार मिलते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह सक्रिय हो चुके हैं। राधा मोहन सिंह के सामने पहली चुनौती है जो एमएलसी चुनाव है, जहां बीजेपी की जो साख है वो दांव पर लगी है। और अब जो खबर मिल पा रही है एमएलसी चुनाव की समीक्षा करने के लिए लखनऊ पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ तमाम जानकारी आपके पास? देखिए, यूपी भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह आज लखनऊ आ रहे हैं और यहाँ सीएम योगी के आवास में एक बैठक करेंगे, एमएलसी चुनाव की समीक्षा करेंगे। हालांकि अगर हम एमएलसी चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा को इसमें जीत दर्ज हुई है। शिक्षक प्रकोष्ठ में जो शिक्षक संघ था उसके दबदबे को भाजपा ने खत्म कर दिया है। 6 सीटों में से 3 सीटें भाजपा के पास हैं, 2 निर्दलीय हैं जिसमें से एक भाजपा समर्थित था और दूसरी एक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। यही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि अब जो आगे पंचायत के चुनाव है, देखिए सीधे तौर पर बीजेपी किसी भी चुनाव को छोटा नहीं लेती है, चाहे वो विधानसभा का उपचुनाव हो, चाहे वो हैदराबाद का नगर निकाय का चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव है। अब इसकी रणनीति बनाई जाएगी और डोर टू डोर कैंपेनिंग कैसे चलाना है, कैसे कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना है, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। कई नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल करने का विचार चल रहा है, जैसा कि हम पहले भी अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि यूपी के मंत्रिमंडल में विस्तार होना है और ये विस्तार काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन आज ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार में कई नए चेहरों को जगह दी जानी है। कमला रानी वरुण और चेतन चौहान के बाद में जो जगह खाली हुई है उस जगह भी किसी मंत्री को मंत्रिमंडल सौंपना है और कई ऐसे नए चेहरे हैं जिन्होंने बीते चुनावों में, चाहे वो एमएलसी का चुनाव हो या फिर जो उपचुनाव हुए हैं, उनमें पार्टी के कार्यों के दायित्व को अच्छे से निभाया है। अब कहीं ना कहीं उनको भी देखा जा रहा है कि जगह दी जाए। बैठक में भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह वो मौजूद रहेंगे, संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद रहेंगे और जो तमाम पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। जी पुनीत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर पहुंचने हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में बातचीत होनी है, क्या लगता है किस तरह से एमएलसी चुनाव की समीक्षा की जाएगी जिस तरह से राधा मोहन सिंह आज लखनऊ पहुंच रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पर एमएलसी चुनाव में जिन जगह भाजपा को जीत हासिल नहीं हुई है कहीं ना कहीं वो मुद्दा रहेंगे, चाहे हम वाराणसी की बात करें क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन वहां से स्नातक सीट और शिक्षक सीट दोनों ही समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। कहां कमी रह गई, क्यों ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई, उसको लेकर के समीक्षा होगी और जो आगे की तैयारी है आगामी पंचायत चुनावों को लेकर के तैयारियां होंगी, क्योंकि सीधे तौर पर पार्टी इसमें भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है और उसके लिए जिस तरीके से एमएलसी चुनाव में लगातार आपने देखा होगा कि बैठकों का दौर चालू था और जो छोटे छोटे वार्ड स्तर तक पे बैठक हुई है, जिसका नतीजा ये निकला है कि एमएलसी चुनाव में बीजेपी अपना दबदबा कायम कर साबित हुई है। समाजवादी पार्टी को हालांकि 2 से 3 सीटें जरूर मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोगों ने उतनी मेहनत नहीं करी जितनी भाजपा ने करी। अब पंचायत चुनाव की तैयारियां हैं और दूसरा अहम मुद्दा मंत्रिमंडल विस्तार का है, किस चेहरे को जगह दी जाए और किसको। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, कई मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर भी किया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक का क्या निष्कर्ष निकलता है। जी ठीक है पुनीत, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।